नमस्कार, लर्न एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए गवर्नर जनरल और वायसराय ऑफ इंडिया लेकर आए हैं, जो बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं और उसके बाद वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं और फिर आगे वो वायसराय ऑफ इंडिया बने हैं। तो उनका सीक्वेंस लेकर हम आए हैं कि कौन किस पीरियड तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय ऑफ इंडिया रहा है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है, ये क्लास 8 की एनसीईआरटी को बिलोंग करता है, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम 1772 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि वारन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है, जो कि 1772 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा है। उसके बाद जॉन मैकफर्सन, ये एक एक्टिंग मतलब कार्यवाहक गवर्नर जनरल रहा है और इसे आप बंगाल का पहला एक्टिंग गवर्नर जनरल कह सकते हैं। आफ्टर दैट चार्ल्स कॉर्नवालिस है, 1786 से 1793 तक। इसका जो टाइटल है वो द मार्कस कॉर्नवालिस है। आफ्टर दैट जॉन सूर, 1793 से 98 तक। आफ्टर दैट अलार्ड क्लार्क, ये भी एक्टिंग है, थोड़े समय के लिए 1798 में आया है, मार्च से लेकर मई तक। आफ्टर दैट रिचर्ड वेलेजली, जिसे कि अर्ल ऑफ मॉर्निंगटन कहते हैं, ये इसका टाइटल है, ये 1798 से 1805 तक है। और उसके बाद मार्क्स कॉर्नवालिस है, जुलाई अक्टूबर 1805, ये जो चार्ल्स कॉर्नवालिस था यही दोबारा आया था। उसके बाद सर जॉर्ज बार्लो, ये एक्टिंग है, यानी कि थोड़े समय के लिए 1805 से 1807 तक। उसके बाद लॉर्ड मिंटो, उसके बाद फ्रांसिस रेडन हेस्टिंग, ये 1813 से 1823 तक। आफ्टर दैट जॉन एडम, ये भी एक्टिंग है, ये जनवरी अगस्त 1823 तक रहा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आफ्टर दैट लॉर्ड एम हर्स्ट, ये 1823 से 28 है इसका पीरियड। आफ्टर दैट विलियम बटरवर्थ बार्ले, ये एक्टिंग है, मार्च से जुलाई 1828 में ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा है। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये 1828 से 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं। इन्हें लास्ट जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कह सकते हैं, क्योंकि फिर जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, सॉरी लॉर्ड बेंटिंक जो है वो 1833 से 35 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। और उसके बाद चार्ल्स मेटकाफ, ये एक्टिंग है, 1835 से 36, यानी कि वर्किंग टेम्परेरी, यानी कार्यवाहक। आफ्टर दैट लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से 42 तक ये गवर्नर जनरल रहे हैं। उसके बाद लॉर्ड एलनबरो, 1842 से 44। आफ्टर दैट विलियम विलफोर्स बर्ड हैं, ये जून से जुलाई 1844 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं, छोटा समय है लेकिन ये प्रॉपर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। हेनरी हार्डिंग है इसके बाद, 1844 से 48। उसके बाद द अर्ल ऑफ डलहौजी है, बहुत ही फेमस है ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, 1848 से 56 तक ये रहा है। उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1856 से 58 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। इन्हीं के टाइम में 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जैसे कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्ट्रगल कहते हैं। और उसके बाद महारानी विक्टोरिया की घोषणा आई थी, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, जो कि 1 नवंबर 1858 से एग्जीक्यूट हुई थी, और उसी के साथ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का वायसराय बना दिया गया था। तो ये जो यहां से 1 नवंबर 1858 से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय दोनों एक ही पोस्ट हैं, ब्रिटिश इंडिया के लिए ये गवर्नर जनरल है और प्रिंसली स्टेट के लिए वायसराय है।
तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1 नवंबर 1858 से मार्च 1862 तक वायसराय ऑफ इंडिया हो जाते हैं, यानी कि क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन जो है एग्जीक्यूट होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूलिंग है खत्म हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन का रूलिंग शुरू हो जाता है। आफ्टर दैट अर्ल ऑफ एल्गिन जो कि 1862 से 63 तक रहे हैं, उसके बाद रॉबर्ट नेपियर, ये एक्टिंग है नवंबर दिसंबर 1863 तक, 63 में रहे हैं। उसके बाद विलियम डेनिसन, ये भी एक्टिंग है, ये दिसंबर 1863 से जनवरी 1864 तक वायसराय ऑफ इंडिया रहे हैं। उसके बाद सर जॉन लॉरेंस हैं 1864 से 69, और फिर उसके बाद द अर्ल ऑफ मेयो हैं, जैसे कि लॉर्ड मेयो कहते हैं, 1869 से 72 तक। आफ्टर दैट सर जॉन स्ट्रेची हैं, ये एक्टिंग वायसराय हैं फरवरी 1872 में, और फिर लॉर्ड नेपियर उसके बाद जो कि फरवरी से मई 1872 तक एक्टिंग वायसराय ऑफ इंडिया रहे हैं। आफ्टर दैट द लॉर्ड नॉर्थब्रुक हैं 1872 से 76 तक, उसके बाद लॉर्ड लिटन हैं 1876 से 1880 तक। आफ्टर दैट लॉर्ड रिपन 1880 से 84, ये वायसराय ऑफ इंडिया हैं। उसके बाद लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888, उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 तक। आफ्टर दैट लॉर्ड एल्गिन 1894 से 1899 तक। आफ्टर दैट लॉर्ड कर्जन, इसे लॉर्ड कर्जन ऑफ कैटलस्टोन इसका टाइटल है, जो कि 1899 से 1905 तक रहा है, इसी के समय बंगाल पार्टीशन हुआ था, बहुत ही फेमस है ये। आफ्टर दैट द अर्ल ऑफ मिंटो है 1905 से 1910 तक वायसराय ऑफ इंडिया। फिर लॉर्ड हार्डिंग है 1910 से 1916, इसी के समय वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, इसके समय वर्ल्ड वार सेकंड कंप्लीट हुआ था, फिनिश हुआ था, और गांधी जी के चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा मूवमेंट हुए थे। उसके बाद अर्ल ऑफ रीडिंग है 1921 से 26, फिर लॉर्ड इरविन है 1926 से 1931 तक। आफ्टर दैट अर्ल ऑफ वेलिंगटन 1931 से 36, उसके बाद लिनलिथगो है 1936 से 43, और फिर लॉर्ड बेवल है 1943 से 47, वायसराय ऑफ इंडिया है ये। और लास्ट में माउंटबेटन है, जो कि 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक इंडिया के वायसराय रहे हैं, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाता है। तो यही लॉर्ड माउंटबेटन जो है गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया के, मतलब डोमिनियन ऑफ इंडिया के ये गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो उस दौरान इनका जो पीरियड है लॉर्ड माउंटबेटन का, वो 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक रहता है, और उसके बाद राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक इंडिया के गवर्नर जनरल रहते हैं। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया माउंटबेटन है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन है, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं, ये 26 जनवरी 1950 तक रहते हैं, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो ये सारे के सारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फिर वायसराय ऑफ इंडिया आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इनका सीक्वेंस बताए हैं कि किस सीक्वेंस पे ये रहते हैं।
आगे वीडियो में हम इनका अचीवमेंट और इनका वर्किंग बताएंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू।